सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो कल हम अध्ययन कर रहे थे आरुणी का अपने पुत्र श्वेत केतु को जो उपदेश दिया गया तत्त्वमसी का। तत्त्वमसी मतलब ये तो एक पूरे उपदेश का वो है सारांश, आगे तक चलेगा ये अनेक खंडों में। तो इसमें पहला उपदेश जो इन्होंने अपने पुत्र को दिया वो था सत एव इदम अग्रे आसीत, सृष्टि विज्ञान सृष्टि रचना का, कि जब ये सृष्टि बनी तो इसके आदि में क्या था, सत। सत मतलब सत्य, ब्रह्म चेतन ईश्वर उसको जो भी कहें आप, वो अकेला ही था। और फिर उसने सोचा कि मैं अनेक हो जाऊं बहुश्याम, तो फिर उसने क्या किया, तीन चीजों की रचना की, तेज जल अन्न, और उन तीन देवताओं से फिर ये सारा जगत रच दिया उन्होंने, सारी रचना इससे हुई। तो ये वाला प्रसंग कल चल रहा था सृष्टि रचना का। और दूसरे अन्य शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो उसी को सत्वरजतम कहा है, मूल प्रकृति कहा है। और उस तीन सत्वरजतम तीन गुणों से मूल प्रकृति से फिर त्रिगुणात्मक ये सारा जगत की रचना हुई है, ऐसा कल बता रहे थे। तो इसमें कोई आपका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं जी। यहाँ पर छठवां मंत्र में आया है प्रथम खंड का, सौम्य स आदेशो भवति इति। तो यहाँ आदेश का क्या अर्थ है? ये ज्ञान, ये उपदेश, आदेश मतलब उपदेश जी। दूसरा प्रश्न है, तीसरा खंड में तीसरा मंत्र है त्रिवृत्तम, यहाँ त्रिवृत्तम शब्द का क्या अर्थ है? त्रिवृत्त माने तीनों को मिला करके जो एक बना, जैसे मूल प्रकृति तीन को मिला के बनी ना, जैसे ये बिजली की वायर होती है तो उसको कहेंगे त्रिवृत्त, वो तीन को मिला के बनती है, पीली लाल सफेद ऐसे। यहाँ पर तीन प्रकार के बीज बताए हैं उसको तो नहीं कह रहे हैं, तीन ही थे ना ये? कौन कौन से तीन है? तीन थे तेज जल अन्न, और इन तीनों से मिलकर के फिर एक एक पदार्थ बने सत्वरजतम से। सब उन्हीं का ही विस्तार है ये, जितना भी सारा जगत है ना, तो ये तीन का ही विस्तार है जी। आगे चलिए। सृष्टि के प्रारंभ में सत ही था, एक और अद्वितीय था, तो उस सत से रूप चेतन शक्ति ने इच्छा की कि बहुत हो जाऊं, उसने तेज को रचा, उसके बाद जल इत्यादि होते हुए इस पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी का ही नहीं, पूरे जगत का। हाँ, तो और हम इस पृथ्वी को जड़ मानते हैं, क्या सत से असत की उत्पत्ति हो सकती है? पृथ्वी को क्या मानते हैं आप? जड़ मानते हैं। हाँ, तो जड़ का मतलब असत थोड़ा ही होता है। असत तो उसको कहते हैं जिसका अस्तित्व नहीं है, तो ये जड़ रूप में तो सत है। यहां जड़ का मतलब असत नहीं है, जड़ भी सत है लेकिन वो कैसा है, अस्थाई है वो, और उसमें चेतनता नहीं है। तो जो जिस रूप में है उसका अस्तित्व तो है ना, असत नहीं है ये। तो चेतन से अचेतन कैसे हो सकता है? चेतन वहां पर उपादान कारण नहीं है, निमित्त कारण है, इसलिए उन्होंने पहले तीन चीजों को सृजन किया,
और फिर उसमें अनुप्रविश्य, ये भी बताया था ना कल, क्योंकि अकेले जड़ भी नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने तीन तत्व रचे, तेज ये भी जड़ है, जल ये भी जड़ है, अन्न ये भी जड़ है, तो केवल इन जड़ से ही सारी सृष्टि रच दे बन जाए ऐसा भी नहीं है। तो फिर उसमें स्वयं चेतन ने अनुप्रवेश किया, तो एक निमित्त कारण बना, एक उपादान कारण बना, और फिर उन दोनों से मिलकर के सारी सृष्टि की रचना हुई। ओम दीदी जी, ये आपने कल बताया था कि तेज, जल और अन्न ये तीन देवता, और इन्हीं से फिर रज, सत्व और तम, ये दोनों इन्हीं से नहीं, इन्हीं का ही दूसरा रूप, मतलब वहां भी तीन तत्वों से सृष्टि बनी ऐसे माना है जी। तो सत्य एक ही है, उसको देखने का तरीका दोनों ऋषियों का अलग अलग है। इन्होंने यहाँ तेज, जल, अन्न ये नाम दे दिया उसको, और उन्होंने सत्व, रज, तम ये नाम दे दिया, ऐसे कहा। तो मेरा प्रश्न यही था, ये सत्व, रज, तम तो समझ में आता है, लेकिन इसको तेज, जल, अन्न दे दिया, इसको फिर पृथ्वी, वायु भी तो इसमें जोड़ सकते थे। नाम है ये उनके, ये संज्ञाए हैं केवल कि इन तीन तत्वों, ये तो आगे तो और भी तो बताएंगे इसके बारे में, संज्ञा मात्र हैं ये। नहीं, मुझे लगा रज, सत्व, तम इसको तेज, जल, अन्न उसकी प्रकृति के आधार पर रखे होंगे। अच्छा आप ये बताओ, जो सत्व, रज, तम है आप कह रहे हो, वो तो बड़ा अच्छे से समझ में आता है, तो उसका विस्तार करते करते भी आगे तो फिर पांच भूत बने ना, तो उन पांच भूतों से ही तो ये सारी सृष्टि बनी, तो उन्हीं का ही तो विस्तार है, ये तो तीन तो आ ही गए कम से कम उसमें। हाँ मैं यही कह रहा था, वो पांच आता है उसमें तीन का ग्रहण हुआ इसमें करके, मतलब दो का नहीं लिया इन्होंने, आकाश का नहीं लिया, वायु का नहीं लिया, दो को छोड़ दिया, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं, तो ये बताएंगे आगे अपनी दृष्टि है, मतलब मूल तो वही है तीन, उनका विस्तार है, ये कुछ और नाम दे देंगे उसको, चेतन का अनुप्रवेश और मूल तीन तत्व, इतना तो दोनों का मेल आता है ना। अब बिल्कुल वैसी की वैसी ही बात कहें तो फिर वो दो नहीं रह जाएंगे, फिर तो एक ही हो जाएगा ऋषि, तो अपने कहने का तरीका सबका अलग अलग है। तो इन्होंने ऐसे कहा भी नहीं, इस ऋषि ने ये भी नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं वो ही कपिल ऋषि ने भी कहा है, ऐसे नहीं कहा, वो तो हम संगति लगा रहे थे कि जो सत्य की खोज इन्होंने की, इसी खोज से वो भी मेल खाता है, तो वो हमने ऐसा किया था कि उन्होंने भी ऐसे ही कहा है कि ये सारा जगत जो है ये त्रिगुणात्मक है, वहां उन्होंने ये नहीं कहा कि पंचभूतात्मक है, ऐसे नहीं कहा, तो वहां भी उनका दर्शन ये है कि भाई त्रिगुणात्मक है सब वस्तुएं, ये भी कह रहे हैं कि त्रिवृत्तम त्रिवृत्तम एक ही काम, एक एक वस्तु जो है वो त्रिवृत्त त्रिवृत्त से बनी है, तो इतने अंश में दोनों में साम्यता है, तो वो हूबहू दोनों एक ही हो तो फिर तो एक ही हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं था, इनकी इतनी साम्यता थी दिखाने की जी। यहाँ बता रहे हैं सत्व, रज, तम और जल, तेज और अन्न, तो हमें ऐसा लगता है कि सत्व, रज, तम से जो जल, तेज, अन्न ले रहे हैं, तो जल से तेज की उत्पत्ति हुई, जब जल से तेज की उत्पत्ति नहीं होती है, तेज से जल की उत्पत्ति होती है, जब ज्यादा गर्मी होती है तब जल बरसते हैं, जब शरीर को तपाया जाता है तब पसीना आता है, पसीना आने से तेज उत्पन्न नहीं होता है कि पहले पसीना आए फिर गर्मी लगे, क्योंकि आकाश में देखते हैं हम जब बादल दो टकराते हैं तो बिजली की उत्पत्ति होती है, तेज दिखता है, पहले तो तेज दिखता नहीं, वो अलग है, यूं तो आकाश में भी क्यों जाते हो, पृथ्वी पे ही जलों से बिजली बनाई जाती है ना, वो घूमते हैं तो, लेकिन जब आप इसके कारण में जाएंगे तो तेज से ही जल की उत्पत्ति होती है, ऐसे तो अब ये त्रिवृत्त त्रिवृत्त कहा है तो एक एक प्रोडक्ट में तीनों ही है, जो जल हमें दिखाई दे रहा है उसमें तेज भी है और उसमें अन्न भी है, काठिन्य भी है, तो कल बताया था ना इन्होंने विद्युत के बारे में कि इसमें भी जो काला भाग है वो अन्न का भाग है, जो रक्तता दिखाई देती है वो तेज है, और जो श्वेतता दिखाई देती है वो जल है, तो वो तो हर एक में ही है,
तो ये नहीं कह सकते हम कि भाई जल जो हमें दिख रहा है उसमें तेज नहीं है या अन्न नहीं है, काठिन्य नहीं है। वो भी है, उसमें भी काठिन्य है। जलों को आप बहुत ज्यादा मतलब वो करोगे ना, तपाएंगे जब आप, तो थोड़ा सा एक भाग मतलब सफेद सफेद वो काठिन्य भी बचेगा उसमें। सूख जाते हैं ना कभी जल, तो वो पपड़ी सी होती है ना, भले वो सूक्ष्म है, तो वो इसलिए क्योंकि उसमें अन्न का भाग कम था और उसमें जलीय तत्व का भाग अधिक था। तो ये जो हम जल देख रहे हैं नदी आदि में या अपने घड़े आदि में, तो ये विशुद्ध जल ही थोड़े ही है, इसमें तेज भी है, इसमें अन्न भी है। और इसको सांख्य दर्शन की दृष्टि से देखेंगे तो पांचों भूत हैं उसमें, पर अधिकता कौन से भूत की है? अधिकता जलीय तत्व की है, इसलिए उसको जल कहते हैं। तो परमाणु तो वहां बताया था ना, सांख्य दर्शन में भी बताया है और न्याय में भी बताया है कि जो पार्थिव परमाणु है उस परमाणु में ही बाकी के चार परमाणु भी होते हैं, उनका समावेश होता है। लेकिन उसमें पृथ्वी की अधिकता होने से फिर इसको पृथ्वी कह रहे हैं। अपनी ये जो पृथ्वी, स्थूल पृथ्वी जो अपने को दिखाई देती है, तो इस पृथ्वी में गंध भी है, रूप भी है, रस भी है, स्पर्श भी है, आकाश भी है। तो जितनी भी गंध आती है वो कहां से आती है? फूलों में, पृथ्वी से ही आती है, तो गंधवती पृथ्वी। और इसमें जल भी भरा है, इसको खोदते हैं तो जल निकलता है। और इसमें शब्द भी है, और इसमें आकाश भी है, पानी डालते हैं तो चला जाता है। पर अधिकता किसकी है इस इसमें? पृथ्वी की है, इसलिए इसको पृथ्वी कहते हैं। तो समावेश तो रहेगा जल में भी, वहां पर आप कह रहे हो जो तेज कह रहे हैं, तो तेज की मना नहीं कर रहे हैं ये। आप कह रहे हैं कि जी जलों से तेज की सृष्टि होती है, आकाश में, पृथ्वी में भी होती है, पानी से ही तो बनती है सारी बिजली, तो उसके मना नहीं कर रही है। वो तो है ही, प्रत्येक पदार्थ में तीनों हैं, त्रिवृत्त त्रिवृत्त ही हैं ये सब, एक एक पदार्थ जो है त्रिगुणात्मक ही हैं। अधिकता होने से उसको वो संज्ञा दे दी जाती है। ओम दीदी, ये अध्यात्म विद्या की जो पूर्णता है वो आत्मवित होने में है। तो जो आत्मवित व्यक्तित्व हो जाता है उसे सुख दुख की अनुभूति होती है? क्यों नहीं होगी, कोई बुद्धू थोड़े ही हो जाता है, होती है। हाँ ये भी होता है, बोले ये तो आत्मवित हो गया तो अब इसको क्या अनुभूति होगी, क्यों नहीं होगी, कोई दिमाग खराब थोड़े ही होता है आत्मवित का। जी दीदी, पहले यहाँ कहा गया कि तत् उसने चेतन ने एक क्षण की संकल्प किया, मैं बहुत हो रचूं, तो पहले तेज को बनाया, तेज तो फिर जड़ है, फिर उसने कैसे कर लिया एक क्षण की मैं जल को बनाऊं? चेतन कोई एक क्षण नहीं कर सकता है क्या कि मैं क्या बनाऊं? चेतन तो कर सकता है, चेतन ने पहले तेज को बनाया, तेज तो जड़ है ना, फिर तेज ने इसमें लिखा तत् तेज अक्षता, तो तज ने जड़ ने फिर कैसे एक क्षण किया? कैसे किया? ये समझाने के लिए आख्यान है, आगे सृष्टि कैसे हुई। इसमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जड़ संकल्प का कथानक तो फिर ऐसे ही बनाने पड़ते हैं कथानक, जैसे पंचतंत्र की कथाएं है ना, एक प्यासा कौआ था, फिर कौए ने सोचा कि ये घड़े में पानी है तो मैं इसमें कंकर डाल दूं, फिर उसने कंकर डाले। अब पता नहीं कौए ने ऐसे सोचा था कि नहीं सोचा, कौआ तो फिर भी चेतन है, सोच सकता है, कभी कभी तो जड़ से भी बुलवा देते हैं, ऐसी ऐसी कहानियां है ना वहां पे, चिड़िया बोली, पेड़ बोला, नीम ने उससे कहा, तो समझाने के लिए होती है कुछ चीजें। और यहाँ ये आदित्य में कृष्ण बल कहा, आदित्य में कृष्ण वर्ल्ड वाला, वो किस आधार पे कहा? काठिन्य एक त्रिगुणात्मक है ना, तो एक मूर्त रूप भी है ना, सूर्य मूर्तत्व जो उसमें है वो भाग अन्न का है, काठिन्य का त्रिगुणात्मक है ना सब, तो उसमें एक काठिन्य भाग है, एक शुक्ल है, एक रक्त है, तो काठिन्य जो है वो तो अन्न का अंश है, और रक्तता जो है वो तेज का है,
और शुक्लता है वो जल का है जी। आप देखते हैं ना दीपक जलता है तो ऊपर वो काला काला इकट्ठा हो जाता है ना, जो काजल आप बनाते हैं, तो जो तेज था उसमें ही ये काठिन्य छिपा हुआ था। देखने से नहीं लगता है कि उसमें ज्योति में कोई काठिन्य नाम की चीज भी है, तो मूर्तत्व भी है, अन्नत्व भी, ऐसे लगता नहीं है। दो तो दिख जाएंगे आपको स्थूल आंखों से देखने से, श्वेत रंग दिख जाएगा और थोड़ा लाल लाल रंग भी दिख जाएगा, ब्लैक वाला नहीं दिखेगा, वो ऊपर इकट्ठा हो जाता है तो दिखता है फिर जी। कौन पूछ रहा था? हाँ ओम दीदी, ये इक्षण शब्द देखने अर्थ में आता है तो इच्छा में कैसे आ गए मुझे? इक्षण करना नहीं होता है तो वो तो इक्ष धातु से ही बना होगा ना। इक्षण उसमें ब्रह्मचर्य सूक्त में आता है ना, प्रथम मंत्र में ही, इक्षण करना, एक धातु अनेक अर्थ होती है ना जी। हाँ दीदी, और ये मतलब देखना अर्थ आप उस अर्थ में भी लोगे ना, तो उन्होंने ऐसा देखा मतलब मन में देखा सोचा, तो उसमें भी कोई दोष नहीं आएगा। ब्रह्मचर्य सूक्त का पहला मंत्र बोलो, ब्रह्मचारिणश, तो वहां भी तो एक क्षण आया है। वो देखता है पूरे ब्रह्मांड में, किसको देखता है? ब्रह्म को जी। दीदी जी, प्रश्न उसी तरह से था कि तेज तो जड़ है, अगर वो जो चेतन थे सत जो आदि में थे, अगर वो किसी, उन्होंने जैसे बताया कि उन्होंने बाद में प्रवेश किया तो पृथ्वी में भी प्रवेश किया और जो स्थूल भूत है उनमें भी प्रवेश किया, तो क्या इस लकड़ी में या पत्थर में, इसमें भी उन्होंने प्रवेश किया? और अगर किया तो क्या वो इच्छा नहीं कर सकते मल्टीप्लाई होने का या अनेक होने का या कुछ सृजन करने का? मतलब ये टेबल में प्रवेश किया था, टेबल भी तो इच्छा कर सकती है, ये कह रहे हो आप जी? अगर जैसे उन्होंने बताया कि प्रवेश किया तो फिर अगर प्रवेश का मतलब ऐसे थोड़ी है कि जैसे आपने इस कक्ष में प्रवेश किया ऐसे, मतलब उनके सहयोग से, एक ये टेबल भी तो किसी चेतन के सहयोग से ही बनी ना, जो बढ़ई है उसने उस लकड़ी में प्रवेश किया तब ये टेबल बनी। तो यहाँ प्रवेश का मतलब ऐसे घुसना, जैसे कमरे में घुस गए ऐसे घुसना, ऐसे नहीं है। यहाँ प्रवेश का मतलब है कि चेतन की शक्ति के बिना वो इस रूप में नहीं आ सकते थे, इस सृष्टि की रचना इस रूप में नहीं आ सकती थी। तो इस सृष्टि की रचना करनी है तो उसके शुरू में सबसे पहले क्या चाहिए? जैसे मानो आप चेतन हैं और आपके मन में ये आया कि मैं ये टेबल बनाऊं, तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है? तो आप किसी पेड़ को लगाओगे, फिर तो सबसे पहले पेड़ लगाना पड़ेगा, फिर उस पेड़ को बड़ा करने के लिए उस पेड़ का पहले बीज लाओगे, फिर उस बीज को भी डालने के लिए आपको पृथ्वी बनानी पड़ेगी, फिर उसमें बीज बोने के बाद फिर जल की रचना करनी पड़ेगी, जल भी चाहिए तब पेड़ बनेगा, और फिर जल के बाद भी उसको आकाश भी चाहिए, फिर उसको वायु भी चाहिए तब वो पेड़ बनेगा, फिर उससे लकड़ी लाओगे, फिर उसको नाइस करोगे। तो ये सारी सृष्टि की प्रक्रिया तो लंबी है। तो इन्होंने मूल तत्व बताई थी कि मूल में इस सृष्टि के ये तीन तत्व हैं, इसलिए उन्होंने शुरू में मूल तीन तत्वों की रचना की। तो दीदी जी, अगर इसमें वो सत नहीं है, अनुप्रवेश का मतलब ये है कि केवल मात्र जड़ से ही ये सारा संसार बन जाए, ऐसा नहीं है। पेड़ बड़ा हो भी गया तो भी उससे टेबल बन जाए, ऐसा नहीं है। उसमें उस कारीगर को फिर उस लकड़ी में अनुप्रवेश करना पड़ेगा, जड़ का के साथ चेतन का संयोग होना जरूरी है, क्योंकि चेतन ही तो कुछ विचार कर सकता है कि मैं ऐसा बनाऊं, और चेतन ही उसको रूप भी दे सकता है। तो इसलिए दोनों के सहयोग से बनाइए, जड़ और चेतन। अकेला चेतन भी नहीं कर सकता है,
अकेला चेतन सोचे कि मैं ये बनाऊं और मेटेरियल है नहीं उसके पास, तो फिर वो नहीं बना पाएगा कुछ भी। और सबसे पहला मेटेरियल तो उसके पास शरीर ही होना चाहिए, यदि शरीर नहीं है तो वो सोच भी नहीं पाएगा। तो दोनों के सहयोग से ये सृष्टि की रचना हुई, ये बताना चाह रहे हैं। तो इस वक्त क्या इसमें चेतनता है, मतलब या सत है? चेतनता है, पर आप जैसी चेतनता नहीं है इसमें। वही की फर्क क्या है? बहुत ही ज्यादा, मतलब इसमें बहुत ही सूक्ष्म रूप में वो मिलेगा आपको, क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं। अच्छा, इसका गीता में एक अन्य उसमें उदाहरण दिया है कृष्ण ने, वो कहते हैं कि ये सब भूत तो मुझ में हैं, लेकिन मैं सब में नहीं हूं। तो ये एक वो पहेली जैसे लगता है ना, कि भाई ये सब भूत मुझ में हैं, मैं सर्वव्यापक हूं, तो फिर सब में ही हूं। तो उन्होंने कहा कि ये सब तो मुझ में हैं, पर मैं इन सब में नहीं हूं। तो ये क्या है कि जैसे समुद्र है, तो समुद्र में कोई घड़ा रखा है, तो कहेगा कि मैं, समुद्र कहेगा कि मैं तो घड़े में हूं, पर घड़ा मुझ में है, पर मैं घड़े में हूं, ऐसा नहीं है। तो ये कहने का यहां अभिप्राय क्या है कि इसके कौन किसके आश्रय से है। तो ये जगत तो ईश्वर के आश्रय से है, लेकिन जगत के आश्रय से ईश्वर नहीं है, ये भाव है वहां पर। माने जो जड़ जगत है वो तो चेतन के आश्रय से है, सत के आश्रय से है, लेकिन सत भी जड़ के आश्रय से हो, ऐसा नहीं है। तो गीता में बताइए, जगत तो मुझ में है, माने मेरे आश्रय से है ये जगत तो, पर मैं जगत के आश्रय से हूं, ऐसा नहीं है, मैं अपने ही आश्रय से हूं। हाँ, तो यहां एक बात थी जो विचार करने की, वो ये है कि सृष्टि जो भी होती है उसका मूल क्या है, विचार, संकल्प। माने ब्रह्म को भी जब ये सृष्टि बनानी पड़ी तो सबसे पहले मूल में क्या किया उन्होंने, ईक्षण किया, संकल्प किया। तो आज हमारे भी अस्तित्व की, व्यक्तित्व की, जैसा ईश्वर ने ईक्षण किया वैसी ये सृष्टि है आज। जैसा हमने अपना ये गुरुकुल बनाने का संकल्प किया या विचार किया वैसा गुरुकुल बन गया, जैसा हमने डिजाइन सोचा। ऐसे ही हमारा अस्तित्व और हमारा व्यक्तित्व जैसा बना है आज तक, हम जैसे हैं, और आगे भी जो बनना है उसके मूल में क्या है, विचार है, संकल्प है। एक व्यक्ति संकल्प करता है कि मुझे इस परीक्षा में प्रथम आना है, यहां से शुरुआत होती है व्यक्तित्व की। तो ये देखो, ईश्वर ने भी, ब्रह्म ने भी सबसे पहले क्या, पहले सोचा उसने, पहले विचार किया, ईक्षण किया कि अहम एको अहम अस्मि बहु श्याम, अभी मैं अकेला ही हूं तो मैं बहुत हो जाता हूं। ईक्षण किया तो फिर उसके लिए क्या क्या जरूरत है वो सब भी उसने बनाया। और एक अन्य जगह बृहदारण्य में तो आएगा सत तपो अतप्यता, यहां उन्होंने उसको नहीं दिया, उन्होंने फिर तप किया ब्रह्म ने, उसने तप करने से फिर ये ऐसे ऐसे सृष्टि बनी। तो सबसे पहले व्यक्ति के अंदर होता है विचार, और फिर उसके बाद होता है पुरुषार्थ। ऐसे ही कोई वस्तुएं नहीं बन जाती हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हमें अपने जीवन की सृष्टि कैसी बनानी है, वो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, ईक्षण, संकल्प, विचार, कैसा जीवन चाहिए मुझे, और फिर सतत उसके लिए प्रयास। मतलब ऐसे कोई कुछ भी एक्सीडेंटल बन गए, ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। एक झोंका इधर से आया तो इधर गिर गया, मैं क्या करूं, झोंका ऐसा आ गया था, फिर इधर वाले झोंका आया उसने उठा के उधर फेंक दिया, बोल जी मैं क्या करूं, हवा का झोंका आ गया था, ऐसे नहीं होना चाहिए। कभी कोई जीवन में ऐसे व्यक्ति सामने आ जाते हैं यहाँ पे कि वो किसी दूसरे जगत में प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, तो उनको देख के हमने सोचा हम इनके साथ ही चले जाते हैं, हम भी ऐसे बने। फिर कोई तीसरे आते हैं,
फिर हम उनके जैसे बनना चाहते हैं, फिर कोई चौथे आते हैं, मतलब हमारे जीवन की जो इमेज है वो किसके धरातल पे खड़ी हुई है? दूसरों के धरातल पे। या तो हम दूसरों को देख के वैसा बनने की सोचते हैं, या तो दूसरे हमें कह देते हैं, कोई व्यक्ति हमें कह दे कि आप बहुत अच्छे हैं तो हमने मान लिया हम तो बहुत अच्छे हैं, कोई व्यक्ति हमें कह दे आप तो बहुत बेकार हैं तो हमने मान लिया कि हम तो वास्तव में बेकार हैं। मतलब हमने अपनी छवि किसके हाथ में दे रखी है? अभी दूसरों के हाथ में। सामान्य व्यक्ति और महान व्यक्तियों में बस यही एक ही अंतर होता है, सामान्य व्यक्ति हमेशा अपनी छवि, अपना व्यक्तित्व दूसरों के हाथ में दे के रखते हैं, और जो महापुरुष होते हैं वो अपना व्यक्तित्व हमेशा अपने कंट्रोल में रखते हैं। ये एक मूलभूत अंतर होता है महान आत्माओं में और सामान्य आत्माओं में। उनको दूसरे क्या कह रहे हैं वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। उस व्यक्ति के, एक व्यक्ति के दिमाग में आया मुझे बल्ब का आविष्कार करना है, दूसरे व्यक्ति ने कहा क्या पागलपन आपको सवार हो गया है, और ना वो किसी से पूछते हैं कि मैं इसे करूं कि ना करूं, वो उनका अपना व्यक्तित्व है, मुझे ये करना है करना है। दूसरे व्यक्ति कहेंगे कभी नहीं हो सकता है, वो उस बात को सुनते ही नहीं है। दूसरे व्यक्ति कह रहे हैं कि आप तो पागल हो गए, वो उसको सुनते ही नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी छवि है, वो जानते हैं हम क्या हैं। महात्मा बुद्ध को कोई गाली भी देते थे, कोई उनको अपशब्द भी कहते थे, वो उसको स्वीकार ही नहीं करते थे, वो कहते थे कि हमें पता है हम क्या हैं। उनको कोई बहुत सम्मान दे उसको भी स्वीकार नहीं करते थे, वो नॉर्मल ही रहते थे, क्योंकि उनको पता है हम क्या हैं। उन्होंने अपनी एक छवि बनाई हुई होती है, वो दूसरे से उसका अप्रूवल भी नहीं लेते हैं। अगर स्वामी जी किसी से ये पूछते कि भाई मैं योग आयुर्वेद का कार्य करना चाहता हूं, मैं करूं कि ना करूं, अगर ऐसे पूछते ना तो आज ये योग और आयुर्वेद यहां नहीं मिलता, किसी से नहीं पूछा उन्होंने। अपनी एक छवि थी, अपना एक दिमाग में एक चित्र था कि हमें ऋषियों का ये काम करना है। आज भी कोई भी, ये केवल स्वामी जी के लिए नहीं, आयुर्वेद के क्षेत्र में आचार्य जी के दिमाग में जो विचार थे वो किसी की होड करके या किसी से अप्रूवल लेके शुरू नहीं किया, और यदि आप लेते तो पता नहीं वो दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके चित्त की स्थिति अलग है, मेरे की अलग है। मैं जो उत्तर दूंगी वो अपने अनुसार दूंगी, आप जो पूछ रहे हैं वो आपके अनुसार पूछ रहे हैं। तो इस सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं सबकी आकृति अलग है, ईश्वर ने ही अलग अलग बनाया, और सबके मन अलग हैं, एक मन नहीं है ना, सबके संस्कार अलग हैं, सब यूनिक है। लेकिन बस महापुरुष अपने उस यूनिकपन को पहचान लेते हैं और डट जाते हैं, दूसरे हैं वो अपने अंदर देखते ही नहीं है, वो पहचानते नहीं है अपनी उसको प्रतिभा को, और वो दूसरों से ही फिर लेते हुए इधर उधर गिरते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने जीवन का क्या बनाना चाहिए? एक इमेज, अपनी छवि खुद बनानी है। मैं क्या हूं? मैं ब्रह्मचारी हूं तो मैं किस तरह का ब्रह्मचारी हूं? तो अपनी एक छवि बनाएं, एक संकल्प लें, एक ईक्षण करें, और उससे फिर नीचे ना आए। कोई कुछ भी कह रहा है आप उसके ऊपर स्थिर रहें। तो ब्रह्म ने सबसे पहले ईक्षण किया कि मैं एक जगत बनाऊं, ऐसा जगत बनाऊं, और फिर उसके लिए पुरुषार्थ शुरू किया। तो हम तो दिन भर में पता नहीं अपनी कितनी छवियां बना लेते हैं, जितने लोगों से मिलते हैं उतनी हमारी छवियां बन जाती हैं, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। कोई व्यक्ति मिलने आया, उसने हमारी प्रशंसा की, हमने मान लिया हम ऐसे ही हैं। कोई व्यक्ति आया, उसने हमारी निंदा की, हमने मान लिया हम ऐसे ही हैं।